Yo, what's up guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं वही heavy duty game जिसमें थोड़ी बहुत बैंड बज जाती है काम करते करते. Yep. सही समझो शायद से आप कंस्ट्रक्शन सिमुलेटर. बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास है आप लोग के लिए एक सरप्राइज, विकेट सरप्राइज. टीवीएस रेडर जो कि आज के युद्ध की फेवरेट बाइक है, उसका विकेट अपडेट आने वाला है जो कि लॉन्च होगा पहली बार, फर्स्ट टाइम मेटावर्स में, और उस मेटावर्स का नाम है टीवीएस मोटोवर्स. गाइस, आप मुझे और अरमान मलिक को साथ देखने वाले हो टीवीएस मोटोवर्स में. अब वैसे जिन लोगों को नहीं मालूम मेटावर्स क्या होता है, मैं एक सेकंड एक्सप्लेन कर देता हूं आपको. ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पर आप लोग एंटर करेंगे एज एन अवतार. इस टीवीएस रेडर के विकेट अपडेट में होने वाला है बहुत फन, जिसमें आप लोग जीत सकते हो कूल मर्चेंडाइज एंड गिफ्ट. बाकी टीवीएस रेडर और ये विकेट अपडेट क्या है, ये सब आपको पता चलेगा 19th को लाइव स्ट्रीम में, जहां पर मैं आने वाला हूं. और आप लोग भी जाओ नीचे लिंक पे टैप करो और अपना अवतार क्रिएट कर लो, ताकि उस दिन आप लोग मुझे ज्वाइन कर पाओ, साथ में बात कर पाओ, खेल पाओ और मजे कर पाओ टीवीएस मोटोवर्स में. ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू कंस्ट्रक्शन सिमुलेटर. तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में शहर के अंदर एक पाइपलाइन खराब हो गई थी और हमने उसे जाकर रिपेयर करा था ताकि लोगों के घरों में पानी पहुंच पाए. और हमने क्या करा था, एक जगह रोड बन रहा था तो रोड रोलर से उस जगह को मैंने प्लेन करा था, और फ्यूल पंप पे कोई टैंक खराब हो गया था, हमने उसे भी रिपेयर करा था. फिलहाल ये है अपना डोजर, इसे बुलडोजर ही बोलते हैं एक्चुअल नेम, मैं इसका भूल गया, बट हाँ जो भी है, अभी फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं और निकलते हैं काम पे. ये अपना पूरे का पूरा ना घर कह सकते हो. देखो रहे सामने वो लिखा हुआ ना टेक्नो कंस्ट्रक्शन, मैं तो यार थोड़े बहुत कंट्रोल्स भी भूल गया इतने दिनों बाद खेल रहा हूँ. अभी फटाफट से अपने ट्रक को नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने इसको क्या बोलते थे यार, टाइम पास के लिए इसको भी जेसीबी बोल देते हैं. अभी मेरे को जब इसका एकदम एग्जैक्ट नाम याद आ जाएगा वो मैं बताऊंगा आपको. बाकी हाँ, अभी मेरे को ना 343 मीटर दूर जाना है, वहां पर कोई व्हीकल डीलर है, शायद हमें उससे कोई तो व्हीकल वगैरह खरीदना है. वैसे एक्चुअल इसका नेम है कैट, जैसे अपने इंडिया में जेसीबी होता है, यहाँ पर इसका नेम कैट है, आई मीन CAT 430F2. भाई एकदम ही साइंटिफिक नेम है भाई. ऑल राइट, तो मेरे को यहाँ से लेना है लेफ्ट व्हीकल डीलर के पास जाने के लिए, शायद से वो शहर में है, मतलब शहर ये भी है बट ये ना एक टाइप से छोटा सा टाउन है. एक्चुअल सिटी जो है वो बिल्कुल राइट साइड में, वो देख रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही है. बाकी यार जो भी हो, ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्लो है यार, मैंने तब से रेस देखे रखी हुई है और अभी भी ये 50 किलोमीटर पर आवर पे है. इस हिसाब से चलेंगे तो भाई रात तक ही पहुंचेंगे हम लोग शहर में. ऑलरेडी 3 बज चुके हैं और ओ वेट, 60 किलोमीटर पर आवर सोच चुकी है. नहीं 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 नहीं, अरे BMW वाले बना रहे हैं इसको, मस्त ड्रिफ्ट मार रहे हैं. ये देखो अभी आपको मैं एक मस्त वाली ड्रिफ्ट दिखाता हूं. ये आराम से पूरा पीछे क्या निशान आ रहा है टायर के, लेट्स गो. अरे वेट वेट वेट, अच्छा है ट्रैफिक नहीं है वरना तो एक आध बंदा उड़ ही जाता. बाकी हाँ, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं. अभी थोड़ी सी स्पीड कम कर लेते हैं बस प्यार से, राइट. शायद अभी मुझे ज्यादा आगे नहीं जाना भाई, सब बैठ के गाड़ी चला रहा हूं, वो भी गेम के अंदर, और फिर भी असलियत में थकावट फील हो रही है भाई इस गाड़ी को चला के. बढ़िया, जो भी है फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला हूं. बट एक सेकेंड, डिस्टेंस पहले 300 मीटर था और अभी 1000 मीटर. भाई ये इस गेम का गूगल मैप कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट रुक जाओ, पहले गाड़ी साइड में लगा के चेक करेंगे आखिर ये हुआ क्या है. मैं वही कहूँ 300 मीटर कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मैं बहुत ज्यादा गाड़ी चला कर आ गया. एक मिनट, मैं ये क्या है, मैं अपनी गाड़ी गाइज यहां से लेके निकला हूं और मेरे को बस यहां पर जाना था, लेकिन मैप ने ऑटोमेटिकली रास्ता दिखाया कि भैया देखो यहां से घूम के आओ, फिर ऐसे हाईवे पकड़ो, फिर वापस सड़क जाओ. क्या बदतमीजी है भाई, मैं डायरेक्ट जा सकता था. छी यार, आज के बाद मैं ये वे पॉइंट्स फॉलो नहीं करूंगा यार, फ्यूल तो वेस्ट हुआ ही हुआ बट साथ के साथ बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट हो गया. बट जो भी है, हमने शहर का एक चक्कर लगा लिया इसी बहाने, कोई बात नहीं, इसको टाइम पास मान लेते. और सामने मून नजर आ रहा है भाई, वाह. वैसे दिन के टाइम में मून नजर आता है बट कोई ऐसी जगह पर रह रहे हो जहां पर पोल्यूशन नहीं है वहां दिखाई देता है बस. यार ये ना सचमुच में बहुत थकी हुई गाड़ी है यार, चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है. 15-17-18 की स्पीड पे मैं इसे चढ़ाकर यहां तक लाया हूं. एंड सॉरी, उस टाइम पर 3 नहीं बज रहे थे, उस टाइम पर दोपहर के 1 बज रहे थे, अभी बज रहे हैं 3. ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं व्हीकल डीलर तक. इतनी ज्यादा पास आने के लिए भाई मैं इतना ट्रेवल कर आया हूं ना भाई, पूछो. अभी यहाँ पर जो काम है बस वो कंप्लीट हो जाए, और शायद से मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर ये जो कॉन्क्रीट वाला ट्रक होता है ना जिसमें सीमेंट मिक्स होता है, हमें वो लेकर जाना होगा.
लेट्स गो, अभी मैं इससे उतरता हूँ। एंटर द कॉन्क्रीट मिक्सर। या अभी जल्दी से बैठते हैं इस वाले ट्रक के अंदर, पक्का कहीं ना कहीं कुछ काम चल रहा होगा बिल्डिंग का, तो वहां पर जाकर हमें इसे सप्लाई करना होगा। मे बी ड्राइव टू ग्रेवल प्लांट। या जैसा कि मैंने कहा था वही है, कहीं ना कहीं तो रोड बन रहा है और हमें वापस से सिटी में जाना है। वेट, पहले मैं पता कर लेता हूँ कि सही में जाना है ना मैप में देख के। यप, अभी मेरे को यहाँ जाना है और रास्ता इस बारी एकदम सही है, मतलब मैं डायरेक्ट अंधाधुंध अभी वे पॉइंट फॉलो नहीं करने वाला। पहले मैं मैप खोल के देखूंगा, अगर कोई शॉर्टकट रास्ता अवेलेबल होगा तो मैं उसको फॉलो करूंगा। बाय द वे, जो भी हो, ये वाला ट्रक उससे तो काफी ज्यादा बेटर है भाई। गाड़ी पहाड़ से उतर रही थी तब वो 60 पे चल रहा था, बट ये तो मेरे हिसाब से पहाड़ से उतरते वक्त 100 जाने वाला है, क्योंकि ये 80 ऑलरेडी है। एंड देखते हैं 100 जा पाता है नहीं। 90 ड्रिफ्ट खा जाइयो भाई बस, क्योंकि मैं ब्रेक लगाने के मूड में नहीं हूँ। नहीं भिड़ा भाई, भिड़ा बुरा भिड़ा। वो ड्रिफ्ट अच्छी कर रहा था यार, जो भी हो यार। मतलब ऐसी कोई फास्ट गाड़ी लेकर दूर जाना हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको चलाना भाई सच में बहुत बोरिंग काम था यार। ऑल डन, तो हम लोग वापस पहुंच चुके हैं सिटी पे और ये है हमारी डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें आना था। फटाफट से चल के अपने ट्रक को यहाँ पर पार्क करते हैं और देखते हैं आखिरकार ट्रक किसने मंगवाया है। मेरे को इससे बाहर निकलना है। स्टॉप इन द एरिया अंडर द कॉन्क्रीट सिलो, देन द फिलिंग प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड। आई थिंक यहाँ से लेफ्ट जाना है, वहां पर ना जितना भी कॉन्क्रीट इसके अंदर है वो सारा का सारा निकाला जाएगा। लेट्स गो, तो मुझको यहाँ पर डालना है या उसके अंदर? वे शायद मुझे वहीं पे जाके खड़े होना होगा, तो पहले इसको पीछे करते हैं और अभी वापस से लेफ्ट होके जाकर मैं इसको खड़े कर देता हूँ यहाँ पे। और अभी सही है सब कुछ। जी फॉर एक्सट्रैक्शन, लेट्स गो, ये दबाया। ओह, तो पहले मुझे भरना था वो सारा, अभी भर गया कि और भरूं? ओके भर रहा है, दबा के रखते हैं जब तक फुल नहीं हो जाता। मालूम कैसे पड़ेगा? ओ ये आ रहा राइट, राइट में मीटर आ रहा है, जैसे ही फुल हो जाएगा इसका मतलब सारा कंक्रीट आ चुका है। तो अभी चलें, कंस्ट्रक्शन मशीन इज फुल, लेट्स गो। ड्राइव टू गैस स्टेशन। ओ किस वाले गैस स्टेशन पे जाना है? जहां पर हमने पंप चेंज करा था। तो अभी हम लोग इस ट्रक को लेकर बस कॉन्क्रीट को भरने आए थे और अभी ये जो आप रोलर देख पा रहे हो ना ये घूमने लग गया, ठीक है। जब तक हम लोग वहां पर पहुंचेंगे ये पूरा का पूरा कॉन्क्रीट जो है मिक्स होकर एकदम बढ़िया मटेरियल बन जाएगा और हम लोग वहाँ पर ले जाकर इसे यूज कर पाएंगे। 600 मीटर जाना है, ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, अपनी गाड़ी भाई 70 चल रही है। ऑल राइट, तो अभी हम लोग वापस से पहुंच चुके हैं उस गैस स्टेशन पे जहाँ पर हमने न्यू फ्यूल पंप इंस्टॉल करा था और अभी बस हमें यहाँ पर लाकर ना कॉन्क्रीट डालना है और ये जगह पूरी कम्प्लीट हो जाएगी। एंड कॉन्क्रीट डालने के लिए करना क्या है वो मुझे सीखना होगा। स्टॉप क्लोज टू दी फॉर्म वर्क, देन ओपन दी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ओके, सिलेक्ट ये वाला जो भी बटन है टू स्टार्ट दी कॉन्क्रीट फ्लो, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जाना है अच्छा ये है पोरिंग ऑन ऑफ, तो मैंने इसे ऑफ करा है। ओ ये गिरना शुरू हो गई है आई थिंक, बट ये गलत गिर रही है, प्लीज स्टॉप। ओ भाई रुक जा, रुक गई। मेरे को थोड़ा सा ना आगे बढ़ना है और इसे पीछे लाके भरना होगा, रुको। बस। तो ये है इसका पूरा मैनुअल, किस तरीके से हमें यूज करना है, सब कुछ इसके अंदर बता रखा है, क्या क्या इसके अंदर सिस्टम्स है। और यहाँ पर ना मुझे बस मैं सही कर रहा था यार, वैसे थोड़ा सा वेट करना है, निशाना लगा के डालना है ताकि वहीं पर जाए। डन, मैं समझ गया। तो अभी ट्रक को बस थोड़ा सा आगे करते हैं और बस इतना आगे काफी है आई थिंक। अगर अभी मैं कॉन्क्रीट गिराऊंगा तो वो नीचे ही जाएगा। तो अभी मैं ट्रक घुमा के लेकर आ चुका हूँ और अब मेरे को एकदम कॉन्क्रीट सही से डालना है। बस इसे यहाँ पर रोकते हैं, निशाना एकदम सही है। एंड अभी मेरे को बस ओपन करना है इसका मेन्यू और यहाँ पर डालना स्टार्ट करना है इस कॉन्क्रीट को। डन, सब कुछ एकदम सही तरीके से भर रहे है। देखो यहाँ पर सारा सीमेंट मतलब ये जो भी कॉन्क्रीट है पूरा भर गया है और ये जगह पूरी कम्प्लीट हो गई है, परफेक्ट। स्पीक विद हेप, तो हेप बंदा है जो हमें काम ला के देता है, एक टाइप से कह सकते हो हमारा बॉस है। तो अभी ट्रक से मैं बाहर आ चुका हूँ, फटाफट से चलकर हम लोग उससे बात करते हैं, उसे बता देते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। भाई ये बहुत लंबा टास्क था वैसे यार। हेलो हेप। ओके। मोस्ट बिजनेसेस हियर आर फैमिली ओन्ड लाइक दिस वन। ओके। यार ये होप ना बहुत ज्यादा फालतू की बातें करता है, बिल्कुल पका देता है। फिलहाल अभी वो जा चुका है और मैंने उसके आधे ज्यादा बातें स्किप कर दी थी, बट हाँ इतना मुझे समझ आया कि उसने वो बोला कि यहां से जो खराब वाला टैंक बाहर निकला था ना वो हमें शायद से कहीं पर तो लेकर जाना है, बट वो है कहाँ पर पहले तो मैं वो देखता हूँ। एंट्री फ्लैट बेड ट्रक। ओ इसके ऊपर लोड करा देता ना हमने, ये देखो ये रहा, ये खराब टैंक है जिसके अंदर फ्यूल वगैरह भरते हैं, तो अभी नया आ चुका है, पुराने वाले की कोई जरूरत नहीं है। शायद से ये इसका कुछ यूज करेगा, रिसाइकल वगैरह कर लेगा इससे। तो चलते हैं फटाफट से अपना ट्रक लेकर यहाँ से बाहर। और एक सेकेंड, पार्क नियर गैस पंप, कुछ भरना है क्या इसके अंदर? फ्यूल रिपेयर, वेट मेरे को इसे रिपेयर करना है क्या? रिफ्यूल कंस्ट्रक्शन मशीन। ओ मेरे को इसे रिफ्यूल ही करना है, वेट तो इसे फटाफट से रिफ्यूल कर लेते हैं, देखते हैं कितना ये भरेगा। बेसिकली ये जो हम ट्रक चला रहे हैं हमें इसका फ्यूल भरना था और कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि मतलब एक बार गाड़ी ले ली तो चलते रहेगी, उसका भी फ्यूल भराना है, फुल ध्यान रखना इस गेम में हर एक चीज का। तो अभी मैं अपना ट्रक लेकर पहुंच चुका हूं जॉस मोटेल पे। आप लोग को याद आ गया होगा लास्ट टाइम ये वाला जो रोड है ना ये हमने पूरा फ्लैट करा था रोड रोलर से, और ये जो मोटेल ऊपर है
ये भी हमने लाला के इसके चिपकाए थे। एंड अभी क्या है, पार्क बिहाइंड दी मोटल। अभी हमें पीछे ले जाकर अपने ट्रक को पार्क करना है। क्या ये मुड़ पाएगा? नहीं मुड़ पाएगा। डन। तो अभी मैं इसे लेकर आ चुका हूँ बैक साइड पे। फटाफट से ट्रक को यहाँ पर रोकते हैं, देखते हैं आखिरकार क्या काम है। हेप यहीं पर पहुंचा हुआ है, गाड़ी से बाहर निकलते हैं, चलकर बात करते हैं इससे और देखते हैं कि आखिरकार क्या सीन है अभी आगे का। फिर पकाएगा यार मुझको बातें कर करके। I'm sure you're wondering what exactly we're up to. नहीं, मेरे को नहीं मालूम। It's like this. We need something spectacular to keep this town from going completely under. Okay. So we'll work some magic here and special effects there. ये कुछ यूज करने वाला है इसका। Swarms of tourists coming for a peek with their cameras. On the outskirts there's a place that we already set up for our plan. We just need your help to put the final piece in place. We should be finished by morning. ओके इसने कहा कि हम मॉर्निंग में फिनिश करेंगे काम को। एंड अभी कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रही है शायद उस टैंक को लेकर, कुछ डेकोरेशन वेकोरेशन वाली चीज बना। अरे नाइट टाइम हो चुका, ये क्या हो गया भाई? हेलो, ये क्या बना डाला? यूएफओ? क्या टास्क है? एंटर फ्लैट बेड ट्रक। भाई एकदम रात हो चुकी है और हम नाइट ड्यूटी कर रहे हैं भाई आज। टर्न ऑन हेडलाइट्स। वेट, मेरे को उसके हेडलाइट्स के कंट्रोल पता करने वाले दो। भाई इतने सारे कंट्रोल्स हैं इसमें एक एक गाड़ी के, की ढूंढते रह जाए बंदा। लाइट है एल से, ठीक है चलो भाई। लाइट मैंने जला दी है, वैसे मेरे को जरूरत नहीं थी, यहाँ पर रोड लाइट भी बहुत ज्यादा अच्छी। लाल अभी ट्रक को यहाँ से लेकर चलते हैं रोड पे और मुझे जाना है 900 मीटर दूर। वहां पर है क्या ऐसा? भाई एक सेकंड मैप चेक करूं पहले मुझे। ओ, ये कोई तो कंस्ट्रक्शन साइट है, वहीं पर चलना है भाई, मजा आने वाला है। भाई ये जो टाउन है नाइट टाइम में कुछ ज्यादा हॉरर सा नहीं हो गया है? मतलब हर घर एकदम अजीब अजीब से लग रहे हैं मेरे को। दिन में इतने सारे लोग नजर आ रहे थे, गाड़ियां नजर आ रही थी, बट अभी एकदम शांत हो चुका है, या फिर मेरे को लग रहा है यार लोग घूम तो रहे हैं। शायद वाइब कुछ ऐसी हो गई है ना, एकदम अंधेरा और ऐसे ऐसे कोहरा सा पड़ रहा है। ड्राइव टू क्रैश साइट, जो कि यहाँ से 200 मीटर दूर बची है बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। और ये लेफ्ट साइड में कोई तो लेक। भाई इसका मैप ना सचमुच में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है इंस्पायर्ड है GTA 5 के मैप से। यार इस गेम का मैप ना सचमुच में ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है GTA 5 के मैप से। मतलब हर एक चीज कुछ वैसी सी है। सामने ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सिटी, पीछे छोटा सा टाउन, और ये वाली साइड हो गई जैसे वाइनवुड हिल्स। अभी फिलहाल बातों हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। फटाफट से ट्रक को लेकर चलते हैं क्रैश साइट पे। यहाँ पर ऐसा क्या है मेरे को तो पहले ये पता करना है। इधर का सोना वोना मिल गया क्या? ऐसे खुदाई वुदाई चल रही है तो पहले पाक पस 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 अब एंट्री बैक होल ऑर्डर। ओके बैक होल ऑर्डर, पहले तो मैं बाहर निकलता हूँ इस वाले ट्रक से। और ये क्या मिला मेरे को? हथौड़ा मिला कोई तो, शायद से ऐसी कोई कलेक्टिबल आइटम है। बाकी मेरे को इसके अंदर बैठना है शायद, जितना मेरे को लग रहा है। यप, मेरे को इसी के अंदर बैठना है। एक्सकवेट ट्रेंच, मुझे इस गड्ढे को खोदना है क्या? वेट यार, इसके कंट्रोल मुझे पहले देखने दो, सच में नहीं मालूम। इससे ऊपर जाता है और अरे रुक 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 रुक, हाँ इससे ऊपर जाता है, इससे नीचे आता है और इससे अप एंड डाउन है, ठीक है। तो पहले से लेकर चलते हैं आगे, बस ब्रेक इसको डालना है। अरे रुक जा भाई रुक जा यार, डिफिकल्ट है थोड़े तो कंट्रोल डिफिकल्ट है। ओह तो ये इससे ज्यादा डाउन साइड पे रोटेट नहीं होगा, मेरे को बस इसे यूं लेकर जाना पड़ेगा। इसको अगर मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं तो क्या ये? ओ नाइस भाई, क्या मस्त फिजिक्स आ रही है भाई इस गेम में इन सब चीज की। भाई मड फिजिक्स तो बहुत क्रेजी है भाई इसमें। वेट, मैं मेरी गाड़ी अटक गई है भाई, दबे पीछे आ जा। कुछ मड आई है? यप भरी है भाई, बहुत सारी भरी है। बट भाई गाड़ी अटक गई यार यहाँ पे। एक सेकेंड, मेरे को यहाँ पर इसके कंट्रोल तो कुछ तो चेंज करने होंगे। ये क्या है? सपोर्ट लेग्स आर ब्लॉक्ड। ओह तो भी मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ अपनी गाड़ी को निकालने के लिए इसका। वापस चल मिट्टी नीचे। वेट, मैंने दोबारा से इसको डाला है इसके अंदर और अभी ना यार मेरी गाड़ी बहुत बुरी वाली अटक गई यार। ये कोई गेम का ग्लिच नहीं है गाइस, ये एक्चुअल रियल लाइफ में भी ऐसा होता है मड के अंदर भाई, अच्छे अच्छे व्हीकल अटक जाते हैं। ओ नाइस, मैंने जैसे ऐसे करके तो निकाल दिया है। एंड 17% मैंने जो मिट्टी है वो वहां से निकाल दी है और अभी मुझे इसको रखना है यहाँ पे। वेट, मैं इसे ब्रेक मार के ऐसी पलट दूं, यहीं पे पलट दूं। वेट, इसको ऊपर ले जाके ना यहीं पे ऐसे मेरे को शायद से पलटना है, आई थिंक हाँ यही करना होगा। यार ये वाली गाड़ी को चलाना बहुत ज्यादा ही बोरिंग नहीं है? लेट्स गो, बहुत सारी मिट्टी भर ली और इस बार मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, मुझे थोड़ी थोड़ी मिट्टी भरनी है। चलो तो यहाँ पर ये मिट्टी भरी और अभी इसको ले जाकर मैं गिरा देता हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप से। लेट्स गो, दोबारा से और मिट्टी निकाल ली इसमें से। भाई साहब इस बार ही मैंने इतनी ज्यादा मिट्टी एक ही बार में भरी है कि 82% जा चुका है। एंड अभी बस मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ से, ओ वेट यहाँ नहीं गिरना, थोड़ा आगे लेकर जाना है। यहाँ पर गिर जाएगा तो यार वो वापस
से भर जाएगा ना, फटाफट से इसको भी साइड में फेंकते हैं। यार भाई ये बहुत अजीब टास्क है यार, बस इस बार ये 18% मिट्टी यहाँ से निकल जाए और ये एरिया समझ लो फ्लैट हो जाएगा। तो इसको मैं लेकर आ चुका हूँ और नीचे, और अब बस यहाँ से स्ट्रेट चलना है कुछ इस टाइप से। भरी भाई भरी भरी 96, थोड़ी सी और 97, आजा प्लीज 100। फाइनली भाई हमने पूरा एरिया क्लीन कर दिया है, अब बस इसको उठाकर मुझे बाहर फेंकना है। सब पूरा सब कुछ कंप्लीट है भाई। चलो भाई तो इन सभी को मैं यहाँ पर फेंक देता हूँ, डन। अभी शायद मेरे को इससे बाहर निकलना चाहिए। नेक्स्ट टास्क है प्लेस ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अच्छा ये UFO जो है मेरे को इसे लाकर रखना है यहाँ पर। भाई लेकिन हम ऐसे ये UFO को जमीन में को छुपा रहे हैं यार, ये कोई इलीगल काम करवा रहे हैं मेरे से भाई? कंस्ट्रक्शन का काम है यार ये सब तो नहीं। पर ठीक है, पहले हम लोग इसको डालते हैं इसके वर्किंग मोड पे। ये देखो इसके जो लेग्स हैं ये कैसे घूम कर आ गए नीचे, और ये हो गया अभी अब। ठीक है, अब मैं इसको एकदम ऐसे आराम से उठा पाऊंगा, बट मेरे को मैं यूज करना भूल गया, वेट। ओके तो पहले मेरे को इसे यहाँ से ऐसे बाहर निकालना है पूरा, तो इसके हैंड को। और अभी मुझे इसे नीचे पहले मेरे को इसे रोटेट करना होगा ना, कुछ इस टाइप से रोटेट करते हैं। बस इतना बहुत है, अभी इसको मेरे को लेकर आना है लेफ्ट में कुछ इस टाइप से, और थोड़ा सा आगे करना है। नहीं हो गया, इतने में कनेक्ट हो जाएगा ये, परफेक्ट। तो इसको बस मेरे को यहाँ से कुछ इस टाइप से उठाना है, और अपनी गाड़ी को वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है। इसका हैंड अभी देखना बहुत लंबा हो जाएगा, प्यार से जाएगा एकदम वहाँ पर ले जाकर हम लोग इसे रख सकते हैं इजीली। तो जाने दे राइट। थोड़े बहुत कंट्रोल समझने वाले हैं भाई इसके, रियल लाइफ में भी इसको चलाना यार थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता होगा यार। हर तरफ ध्यान रखना पड़ता है, लोग गाड़ी नहीं सही से चला पाते, ये तो गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा ही चीज है। ऑल डन, तो अभी इसे फटाफट से फोल्ड करके हम लोग साइड कर देते हैं, अपना काम हो चुका है। एंड अभी हम लोग बाहर निकलते हैं ट्रक से नहीं बाहर निकलना, हमें जाना है ड्राइविंग मोड पे। वेट, ये क्या हुआ? अच्छा तो हमें इसे पूरा फोल्ड करना होगा जैसा है पहले था। ओके डन, तो अभी अपनी गाड़ी जो है वापस से जा चुके हैं ड्राइव मोड पे, और अभी हमें यहाँ से 500 मीटर दूर जाना है। भाई मेरे को समझ नहीं आया ये वाला टास्क कैसा ही था, बट हाँ शायद से ना अभी इसको देख के कुछ ऐसी सी फील आ रही है जैसे ये जो UFO है ये आसमान से आकर यहाँ पर गिरा है, या पता नहीं डेकोरेशन है या फिर लोगों से मजे लेने के लिए लगाया है, ये नहीं मालूम। बट हाँ जिस तरीके से काम हुआ ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई लोगों से ही मजे लेने के लिए इसको बनाया गया। और वेट आगे भाई पूरे में बाउंड्री है, मुझे अपने ट्रक को यहीं से बाहर निकालना होगा। कल को बंदे सुबह उठ के आएंगे वो कहेंगे भाई यहाँ पर ये UFO कहाँ से आके गिर गया, और वैसे भी ये काम रात में हुआ है तो किसी को पता ही नहीं चला होगा। लेट्स गो, तो वापस से हम लोग आ चुके हैं अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस के बाहर। एंड पहले हम लोग इस तरह से बात कर लेते हैं, ये यहीं पर हमारा वेट कर रहा है। वेट ये रहे, कहाँ चला गया? अरे अंदर ही चले जाता भाई, बाहर तो ऐसे खड़े हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ओके ये सच में हम लोगों ने प्रैंक करा है। The people in this town love rumors and headlines. मैंने लास्ट टाइम ना इसकी जो पूरी ये कन्वर्सेशन है स्किप कर दी थी, इसलिए मेरे को पता नहीं था ऐसा क्यों हो रहा है, बट अभी समझ आया। ये अब इसका फालतू की बातें शुरू हो गई। चुप रहा है यार, काम की बातें भी कर देता है बीच में बकवास करे जा रहा है। डील 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 निकल, दिमाग खराब कर देते यार इतना ज्यादा बोलता है। बाकी हाँ ये हमने लोगों से मजे लेने के लिए करा है, अब कल हमें मॉर्निंग में पता चलेगा कि आखिरकार क्या होने वाला है। एक्वायर कंपनी, अभी हम लोग इसकी कंपनी थी पहले, हम लोग इसके अंडर काम कर रहे थे, बट अभी हम लोग इसकी कंपनी पूरी खरीद ले रहे हैं। मतलब अभी हम लोग कंपनी के मालिक नहीं थे, ये हमसे काम करवा रहा था, असली मालिक ये था, बट अभी हम लोग असली मालिक बन चुके हैं। चुप रहे, निकल कंपनी मेरी होगी, निकल। भाई दिमाग खराब कर रहा है यार। बाकी ये है अपनी कुछ बढ़िया वाली कंपनी टेक्नो कंस्ट्रक्शन, वो नाम लिखा हुआ देख रहे, पूरा आ नहीं रहा यार, CHNO कंस्ट्रक्शन दिख रहा है बस। धन भाई, अभी सुबह के 4:30 होने वाले हैं, एंड अब मैं काम अपने हिसाब से कर सकता हूँ। अभी तक मैं वही कर रहा था जो मुझे ये करने के लिए बोल रहा था, बट अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाके कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता हूँ, अगर मतलब कोई ऐसा डील आती है तो। ऐसा जबरदस्ती किसी का घर जाके तोड़ के नहीं बनाना। अपग्रेड लेवल है सीरीज, न्यू कंपनी एक्सपेंशन आर अवेलेबल, डू यू वॉन्ट टू ओपन दी एक्सपेंशन लेवल मेन्यू नाउ? कर लेते हैं, वैसे मुझे अच्छे से इसके बारे में डीप नहीं मालूम, बट जो भी है करो भाई करो, अभी एकदम काम दबा के करना है। तो ये देखो ये सारे के सारे अपने टास्क चुके हैं। ये है बिल्डिंग मटेरियल डीलर जहां से हमें सारा सामान मिलेगा, यहां पर है लैंड डेवलपमेंट, और ये है व्हीकल डीलर जो हमें गाड़ियां देगा, और ये है बिल्डिंग यार्ड, और ये है गैस स्टेशन जहां से हम लोग फ्यूल वगैरह भरवाएंगे गाड़ियों में, और ये अपनी कंपनी वाली जगह है। ठीक है, और मैप में भी काफी सारी जगह है जहां पर हम लोग जाके काम कर सकते हैं, जैसे ये है ग्रेवल प्लांट। अच्छा यहाँ से तो हम लोग ग्रेवल लेकर आएंगे, और भी बहुत सारी जगह है भाई, बहुत बड़ा शहर है, काम ही काम करने पड़ेंगे यार। फिलहाल अभी बहुत सारी जगह ना अनडिस्कवर है, तो यहीं पर बैठते हैं। और इसने क्या ओपन द मैप, सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंप्लीट 3 साइट
कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी भी हमें थोड़ा बहुत बता रहा है कि काम कैसे करना है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट अपना, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं वाला कॉन्ट्रैक्ट इससे, और अभी देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। एस्फोल्ड पेवर ये चाहिए क्या हमें? 362 मीटर हमें दूर जाना है। रेंट एंड एस्फोल्ड पेवर, ये होता क्या है मुझे सच में नहीं मालूम। ये शायद से कोई व्हीकल ही है, तो हमें जाके उसे रेंट पे लेना है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट काम है वो उसके ही थ्रू होने वाला है। मतलब उसके बिना हम लोग उस कंस्ट्रक्शन वर्क को नहीं कर सकते। बाकी अभी अगली सुबह हो चुकी नहीं है, होने वाली है सुबह के 5 बजे। इतना ज्यादा ट्रैफिक आने लग गया भाई, बट जो भी यार ये जगह बहुत ज्यादा सही लगी मेरे को। ओ रुक जा भाई, ये ठुकेगा। ओ उतरी गया, बोल ही रहा था ठुकेगा, भगा के ला रहा है पिचक की गाड़ी क्या। बट ठीक है, जो भी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं व्हीकल डीलर के पास, और देखते हैं कि आखिरकार ये हमें वो जो गाड़ी है रेंट पे देगा या फिर नहीं। पहले सब कुछ हमारे लिए हेल्प करके दे देता था, बट अभी हमें खुद जाकर अंदर बात करनी होगी, रेट पता करने होंगे। एंड मेरे पास है 109527 CR, ये डॉलर नहीं है और करोड़ भी नहीं है, कहीं आप लोग करोड़ समझ रहे हो इसको। हाँ, तो मेरे को यहाँ से अभी एक कार रेंट पे लेनी है। कौन सी? एस्फोल्ट पेवर, ये रही। क्या है भाई इसका प्राइस? मैं इसे परचेज कर सकता हूँ कितने में? अरे 299 भाई साहब, मेरे पैसे अगर 3 बार भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना ये तब आ जाएगी 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी। फिलहाल मैं इसे रेंट कर रहा हूँ, 5980 की है, तो इसे ले लेते हैं। अरे कितने टाइम के लिए रेंट पे? मैंने पढ़ा भी नहीं, पता नहीं शायद से एक दिन के लिए तो होनी चाहिए भाई। कहाँ पर है? मैंने कर ली रेंट आई थिंक। ये खड़ी भाई, ये कौन सी कार है ये? मतलब कार नहीं, मतलब कौन सा व्हीकल है ये? इस टाइप का कंस्ट्रक्शन व्हीकल मैंने नहीं देखा, मतलब इंडिया में तो थोड़ा अलग है, कहीं कुछ हैवी कंस्ट्रक्शन में लग रहा काम आता होगा। इसके टायर भी, टायर नहीं है वो बेल्ट है इसमें, वो चेन वाली जो होती है। एंड अभी मेरे को जाना है यहाँ पर, ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है, और मेरे को लग भी नहीं रहा कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी। चले मैं फास्ट ट्रेवल कर सकता हूँ क्या? ओ नाइस, अब मैं डायरेक्ट वहां पहुंच जाऊंगा। बट हाँ यार, जो भी है मेरे को इसे चला के तो देखना ही था ना, मैं इसे चला के Without asphalt, of course, we won't get far. For asphalt transport, you need an asphalt dumper or your flatbed crane won't rent an asphalt dumper. Oh, मैं समझ गया भाई अभी क्या सीन है। तो मैं इस गाड़ी को डायरेक्ट ऐसे ना चला के नहीं ले जा सकता, मेरे को पहले एक, अरे यार उतरू कैसे इससे मैं? हाँ, rent an asphalt dumper. ट्रांसपोर्ट एस्फॉल्ट। ओह अभी मैं समझा, मैं इस गाड़ी को नॉर्मल रोड पे चला ही नहीं सकता। मतलब शायद से चल जाएगी, बट उससे रोड खराब हो सकता है, तो इसलिए हम लोग ये मतलब अलाउड ही नहीं है चलाना। तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिस जगह पे हमें काम करना है वहां पे ले जाने के लिए मेरे को एक एस्फॉल्ट डंपर लेकर आना होगा। और अभी मैंने फास्ट ट्रेवल कर लिया है, तो मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। एंड अभी मेरे को वापस जाना है यहाँ पर, ये डीलर है ना, व्हीकल डीलर, तो फटाफट से इसके पास फास्ट ट्रेवल करते हैं। यार मेरी गाड़ी मुझे वहां पर मिल तो जाएगी ना खड़ी हुई, जहाँ पे मैं छोड़ के आया हूँ, आई थिंक मिल जानी चाहिए। फिलहाल अभी चलते हैं अंदर इस यहाँ पे, और मेरे को चाहिए होगा एक एस्फॉल्ट डंपर। कौन सा होता है भाई? ओ भाई कितनी सारी गाड़ी है भाई, मैं तो खो जाऊंगा इसमें। ये है एस्फॉल्ट पेवर, ये है डैम ट्रक, फ्लैट बेड क्रेन। मैं अपने फ्लैट बेड पे उसे रख सकता हूँ या फिर नहीं? भाई साहब यहाँ पर ना इतने सारे व्हीकल्स हैं कि मैं उस वाले व्हीकल को तो बिल्कुल खो ही चुका हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। वेट, ओ व्हीकल सारे नहीं, व्हीकल कम है बट ना बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के यहाँ पे। ये देखो, ये जो ऑरेंज वाले अलग ब्रांड है, ब्लू वाली अलग ब्रांड है, बट मैं ये येलो वाली यूज कर रहा हूँ, CAT जो है। शायद इन सब में थोड़ा बहुत पावर का ही फर्क होगा। फिलहाल यहाँ पर मोटर ग्रेटर, हाइड्रोलिक एक्सकवेटर, व्हील लोडर। भाई देखो मेरे को पता है क्या लग रहा है कि मेरे को ना ये जो मेरा फ्लैट बेड वाला क्रेन है ना यही लेकर जाना चाहिए, मैं इसके ऊपर रख दूंगा उसे। मेरे को ऐसा लग रहा है एक्स्ट्रा गाड़ी खरीदने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, तो इसको उठाते हैं और अभी जल्दी से चलते हैं उस जगह पे। मैं कहाँ पे छोड़कर आया हूँ अपनी गाड़ी, मेरे को मालूम कैसे पड़ेगा? शायद से मेरी गाड़ी ना इस जगह के आसपास थी, तो भी फास्ट ट्रेवल करते हैं, लेट्स गो। तो भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, और मेरे को देखना है कि क्या मैं इसके ऊपर इस गाड़ी को लोड कर पाऊंगा या फिर नहीं। डन, तो सबसे पहले तो इसको डालते हैं वर्किंग मोड पे, जिससे कि पहले तो अपने फुट को नीचे रख के पूरी ऊपर आ जाए। और अभी मेरे को इसके हैंड बाहर निकाल के इस गाड़ी को पिक करना है, और मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। शायद ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है भाई, सीधी सी बात है, ये बेवकूफ़ी है। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वेट भाई, हेप के जाते ही तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया हो। यार भैंस के टांग, मेरे को ना ये चीज बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है कि आखिरकार मैं कैसे इस एस्फॉल्ट डंपर को इस ट्रक के ऊपर लोड कराऊं और लेकर जाऊं। वैसे ट्रक के ऊपर तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है लोड होगी, एक बार दोबारा ट्राई करता हूं। यार मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कहीं पर कोई तो मिस्टेक कर रहा हूं जिससे कि चल नहीं रही। देखो अभी मैं ऐसे आके गाड़ी में बैठ गया हूँ और मैं इसमें फुल रेस दे रहा हूँ, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है यार, कुछ तो सीन होगा यार इसका, इसके टायर एक्टिवेट नहीं है या क्या है। इसके सारे कंट्रोल्स ओपन करता हूँ। यहाँ पर है अपने पास एक्सटेंड पेविंग स्क्रीन, ये क्या है? टायर वायर निकलेगा, ये कुछ और है भाई, रुक जाओ। और क्या ऑप्शन है? और अपने पास ऑप्शन है एस्फॉल्टिंग ऑन और ऑफ, इसको ऑन कर देते हैं। एस्फॉल्टिंग डिसेबल, अच्छा ऑन पड़ी थी अभी डिसेबल हुई है। बट अभी भी मेरी गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, मैंने सारे कंट्रोल दबा दिए, इसको तो पहले बंद कर देता हूँ। ये क्या है? फिलअप। ओ ये तो फिलअप,
ये रेंट पे कर दिया शायद से मैंने, हाँ ये तो मैंने रेंट ही पे कर डाला यार। नहीं यार नहीं 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 समझ आ रहा ये कैसे काम करेगा कैसे। अच्छा फिलअप ये हुआ है इसके आगे देखो कुछ तो, ओ समझा समझा समझा, ये पता है वो व्हीकल है जब रोड बनते हैं ना जिसे हम तार कोल कहते हैं, इसके अंदर वो देखो गरम गरम आग है तो ऐसे सड़क पे डालने के लिए ये काम आता है। तो यहाँ पर तो ये हो रखा है बट आगे अभी हमें कहीं तो करना है, वो कितनी दूर है ऐसा जगह। यार देखो जो भी है अभी फालतू की हरकतें ना करके थोड़ा सा मैं इस पे रिसर्च करके आऊंगा तभी इसे कम्प्लीट कर पाएंगे। भाई अभी नहीं समझ आ रहा कि मैं इस काम को कैसे कंटिन्यू करूं। गाइस आज की वाली वीडियो यहीं पर एंड करनी पड़ेगी। भैंस की टांग को गाड़ी अटक गई है, जिस गाड़ी को लेकर हमें पूरा रोड बनाना है वो चल ही नहीं रही है। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा अभी हम लोग इसे कैसे वहां तक लेकर पहुंचेंगे। सब कुछ कर लिया भाई मैं, व्हीकल डीलर पे पहुंच गया, नया ट्रक लिया, ट्रक से लोड कराने की कोशिश कर ली, इसको चलाने की कोशिश कर ली, कुछ नहीं हो रहा। तो इसको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इस गाड़ी के बारे में, तब इसे शायद हम ले जा पाएंगे वहां पर। बाकी आप लोग को अगर पता है तो कमेंट्स में जाके जरूर बताना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे, पहली बात तो नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू कर पाऊं, पता चला नेक्स्ट वीडियो में भी बस हम गाड़ी लेके खड़े हैं इधर उधर। तो जाओ कमेंट्स में बताओ, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करना है, इस वीडियो पर एम करते हैं 4 लाख लाइक के लिए, तो जाओ लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा के। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।